अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। दंगल 2 को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं करती हूँ आज सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई फिल्म दंगल ने पूरे बॉलीवुड में एक अलग रिकॉर्ड बना दिया था। मात्र 70 करोड़ में बनी ये फिल्म ने 2024 करोड़ की कमाई करी। केजीएफ से पहले तक इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई भी और फिल्म नहीं तोड़ पाई थी और इस फिल्म ने बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया था सबसे ज्यादा पैसे कमाने का। आपको बता दें, फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे आमिर खान और उनके साथ साथ दो बड़ी एक्ट्रेसेस भी नजर आई थी फिल्म में। इसी के साथ साथ अगर हिट फिल्मों की बात हो तो दंगल से पहले भी काफी सारी फिल्में हिट हो चुकी हैं। इन हिट फिल्मों में नाम था चेन्नई एक्सप्रेस का, जो शाहरुख खान की फिल्म थी, और साथ ही साथ सैफ अली खान की रेस 2 का भी। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म 2024 करोड़ तक की कमाई नहीं कर पाई थी। दंगल ने एक अलग रिकॉर्ड बनाया था कमाई के मामले में और ये फिल्म ऑडियंस को भी काफी पसंद आई थी। ऑडियंस काफी रोई थी और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी फिल्म देखते देखते काफी रो गई थी, इतनी इमोशनल फिल्म थी। फिल्म में आमिर खान ने काफी मोटिवेट किया था यंगस्टर्स को बॉडी फिटनेस के लिए। आमिर खान ने काफी वेट गेन किया था और उसके बाद वेट लूज भी किया था फिल्म के लिए। इसी को शो करते हुए उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी शेयर करी थी सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा इंस्पायर और मोटिवेट हुए थे। दंगल 2 की बात करें तो दंगल 2 के लिए नितेश तिवारी एक ऐसी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें परफेक्ट लगे, लेकिन अब तक उन्हें ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिली है। हाल ही में एक दिए गए इंटरव्यू में नितेश तिवारी ने कहा कि उन्हें बहुत जल्द ऐसी स्क्रिप्ट मिलने वाली है और उन्होंने ये भी बताया कि वो फिल्म पर काम साल 2024 से शुरू करेंगे, क्योंकि उससे पहले आमिर खान और नितेश तिवारी पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें पूरी करनी है। आपको क्या लगता है दंगल 2 के बारे में, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।